what we were doing yesterday. Kal ke lecture mein we started with how to draw free body diagrams for a rigid body undergoing various coplanar forces and moments. So us case mein support reactions decide karne ke liye humne do rules padhe the. Quickly hum in dono rules ko revise karte hain and then we will move to today's lecture. Rules kya the ke whenever a support prevents ट्रांसलेशन ऑफ अ बॉडी, यानी अगर कोई आपके पास जो रिजिड बॉडी है उस पर जो सपोर्ट लगी हुई है वो किसी डायरेक्शन में ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर रही है, तो वंस यू रिमूव दैट सपोर्ट आपको उस ट्रांसलेशन जहाँ रेस्ट्रिक्ट हो रही है उस एक्सिस के अलॉन्ग एक अदर रिएक्शन फोर्स जो है वो मिल जाएगी. इसी तरह अगर कोई सपोर्ट रोटेशन को प्रिवेंट कर रही है तो वंस यू रिमूव दैट सपोर्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, चूंकि आप उस रिजिड बॉडी को आइसोलेट करते हैं, तो जब आप उस सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ कपल मोमेंट ऑन दैट रिजिड बॉडी. तो ये दो रूल्स याद रखें वेन एवर यू आर ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम, और जब जब आप सपोर्ट्स को रिमूव करें तो इन दोनों रूल्स के तहत आप सपोर्ट रिएक्शन जो है वो अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे शो कर रहे होंगे. फिर इसमें हमने मुख्तलिफ तरह की सपोर्ट कल देखी थी. द फर्स्ट वन वॉज द रोलर सपोर्ट जो कि ट्रांसलेशन एक एक्सिस के अलॉन्ग रोक रही होती है. सो वंस वी रिमूव दिस रोलर सपोर्ट वी आर गोइंग टू गेट अ सपोर्ट रिएक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सिस जिसके अलॉन्ग ट्रांसलेशन जो है वो प्रिवेंट की जा रही है. देन वी स्टडीड पिन सपोर्ट, और हमने देखा था कि जो पिन सपोर्ट है ये दो एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसलेशन रोकती है. वन इज द एक्स एक्सिस, द अदर वन इज द वाई एक्सिस. हाउएवर द रोटेशन अबाउट दिस पिन इज परमिटेड. सो आपके पास दो अदर फोर्सेस आती हैं अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस एज अ रिएक्शन फोर्सेस के तौर पे जब जब आप किसी भी पिन सपोर्ट को अपनी फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर मॉडल करते हैं. द थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट जो कि हमने देखी थी दैट वाज अ फिक्स सपोर्ट. फिक्स सपोर्ट क्या करती है कि वंस यू रिमूव दिस फिक्स सपोर्ट सिंस इट इज प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, तो आपको ये तीन रिएक्शन मिलते हैं, दो फोर्सेस और एक कपल मोमेंट रिएक्शन के तौर पे जो है वो मिल रहा होता है. देन वी स्टडीड वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस विच यू मे इनकाउंटर वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रेलेवेंट टू दिस टॉपिक, जिसमें सबसे पहले केबल सपोर्ट थी, देन अ वेटलेस लिंक था, उसके बाद रोलर सपोर्ट थी, रोलर और पिन इन अ कन्फाइंड स्लॉट, रॉकर, स्मूथ कॉन्टेक्ट सर्फेस, देन मेंबर पिन कनेक्टेड, स्मूथ पिन. ये तमाम सपोर्ट्स हमने 10 के 10 सपोर्ट्स कल तफसील के साथ डिस्कस की थी. आई होप कि ये तमाम चीज़ें, ये सपोर्ट रिएक्शंस जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हैं. अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप अभी जो है वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. एनी क्यूरी? नो सर. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होते हैं तो इंटरनल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो उनको हम अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे शो नहीं करते. रीज़न बीइंग के जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दीज इंटरनल फोर्सेस अकर्स इन इक्वल एंड ऑपोजिट कोलिनियर पेयर, सो देयर नेट इफेक्ट इज गोइंग टू बी जीरो. दैट्स वाई दोज फोर्सेज आर नॉट बींग शोन ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम. तो हमेशा इंटरनल फोर्सेज की अगर हम बात करें तो हम उनको अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. इसके अलावा अगर हम वेट की बात करें तो वेट आप अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे जो है वो शो करते हैं. वेट किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होता है, अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें या किसी भी रिजिड बॉडी की बात करें तो वेट किस पॉइंट पे एक्ट करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मिडपॉइंट. सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर. ओके, इफ यू हैव अ सिमेट्रिक रिजिड बॉडी, फॉर एग्जांपल से दिस बीम, सो व्हाट शुड बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बीम? द मिड सर, मिडल मिड पॉइंट सर. सेंटर ऑफ एरिया, इजंट इट? ठीक है, द सेंटर ऑफ एरिया इज बेसिकली दिस पॉइंट. सो आपके पास जो वेट है इट इज गोइंग टू एक्ट एट दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बीम. सो इफ यू हैव अ रेगुलर सिमेट्रिक शेप देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज गोइंग टू बी एट द सेंटर ऑफ एरिया. हाउएवर इन सम केसेस इफ यू हैव अ रिजिड बॉडी विच इज नॉट सिमेट्रिकल, देन फॉर सच अ रिजिड बॉडी आपको जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन जो है वो गिवन होगी. आपको खुद फाइंड नहीं करनी होगी बिकॉज अभी तक हमने वो मेथड नहीं पढ़ा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इररेगुलर शेप्स का किस तरह फाइंड करते हैं. प्रोबेबली डायनेमिक्स में हम वो टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन अगर स्टैटिक्स के हवाले से कोई आपको इररेगुलर शेप दी जाती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपको दिया गया होगा और आप उसके ऊपर उस वेट को जो है वो शो कर सकते हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. इसके अलावा कभी ऐसा भी होगा कि आपको प्रॉब्लम में वेट गिवन नहीं होगा,
यानी आपको वेटलेस बीम जो है वो कही जा रही होगी, या बीम का वेट इतना कम है एज कम्पेयर टू द ओवरऑल फोर्सेज जो उस पर एक्ट कर रही है, तो फिर आप वेट को शो नहीं करेंगे। लेकिन वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। अगर किसी प्रॉब्लम में आपको कहा जा रहा है कि वेट को निग्लेक्ट कर दें, तो देन यू वुड नॉट शो द वेट ऑन दैट बॉडी। अगर वेट गिवन है तो फिर आप उसको डेफिनेटली अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा इंटरनल फोर्सेज की हमने बात कर ली, वेट की बात कर ली, अब हम थोड़े से चार पांच मुख्तलिफ फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के हवाले से एग्जांपल्स जो है वो देखेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर आप सपोर्ट रिएक्शंस और उनकी वैल्यूज जो है वो डिटरमिन कर रहे होंगे। तो स्टार्टिंग विद एग्जांपल 5-1 इन विच अ बीम इज बीइंग शोन टू यू विच इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड। द बीम हैज अ मास ऑफ 100 kg एंड इज बीइंग सपोर्टेड बाय अ वॉल एट पॉइंट ए। सो वंस यू आर आइसोलेटिंग दिस बीम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आप करते क्या है कि आप इस बीम को आइसोलेट करते हैं। सो आपने इस बीम के कनेक्शन सराउंडिंग से खत्म करने हैं। ये बीम सराउंडिंग से कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, क्या कोई बता सकता है? ए पे सर। और किस किस सपोर्ट ए के ऊपर है? सर तीन तरह की नहीं, सपोर्ट तो फिक्स सपोर्ट है ना? यस सर फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट को जब आप रिमूव करते हैं तो आपको रिएक्शन के तौर पर क्या मिलता है? दो फोर्सेस और एक रोटेशन। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ दोस टू सपोर्ट रिएक्शन फोर्सेस एज ए एक्स एंड ए वाई। चूंकि आपके पास ये जो फिक्स सपोर्ट है ये एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में ट्रांसलेशन को रोक रही है, तो हमने ए एक्स और ए वाई सपोर्ट रिएक्शन के तौर पर शो कर दिए। और इसके अलावा जिस तरह अभी बात हुई थी, जो फिक्स सपोर्ट होती है वो चूंकि रोटेशन को भी प्रिवेंट कर रही होती है, सो वंस यू रिमूव दिस फिक्स सपोर्ट आपको जो है वो रोटेशन भी मिलेगी, जिसको मैं एम ए से रिप्रेजेंट करता हूँ द कपल मोमेंट। सो दीज आर गोइंग टू बी द सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए। इसके अलावा इस बीम के ऊपर आपने एक अदद फोर्स अप्लाई की हुई थी विच इज दिस 1200 न्यूटन फोर्स, वो शो कर देंगे। और कुछ फ्री बॉडी डायग्राम पे जो आप समझते हैं आना चाहिए? तो आपने वेट को डाउनवर्ड शो कर लिया विच इज गोइंग टू बी 100 × 9.81। सो इज द फ्री बॉडी डायग्राम नाउ कंप्लीट? सर इनको आप आइसोलेट नहीं करेंगे? किसको आइसोलेट करना था? आइसोलेट करके ही तो ए एक्स ए वाई और एम ए मिले। ओके सर, मुझे लगा कि आप अलग अलग करेंगे। ठीक, नहीं, मैंने वो दीवार हटाई है, यानी जो फिक्स सपोर्ट थी उसको रिमूव किया है, तो मुझे ए एक्स ए वाई और एम ए मिला है। अब नीचे जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में और जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है, इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? सर हमने वो दीवार नहीं, वॉल ऑपोजिट लिया हमने डायरेक्शन। जी हाँ, हम जो बुक वाले ने सोल्यूशन किया उसमें ए एक्स का डायरेक्शन टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस लिया है, लेकिन हम अपनी उसी अजम्पशन पे जाएंगे कि जो भी अननोन सपोर्ट रिएक्शन हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी अज्यूम्ड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, सो अगर फोर्स है तो वो पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग होगी, अगर मोमेंट है तो वो काउंटर क्लॉकवाइज अज्यूम किया जाएगा। सो जो भी अननोन सपोर्ट रिएक्शन हैं दे आर गोइंग टू बी अज्यूम्ड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन अगर वो मोमेंट है, ताकि जब आप सॉल्व करें किसी भी चीज का साइन नेगेटिव आता है तो आप अपनी अजम्पशन को रिवर्स कर सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या? अब देखें, यहां इसने ए एक्स को नेगेटिव साइड पे अज्यूम किया बुक वाले ने, आपने सपोज सॉल्व किया इसको और ए एक्स की वैल्यू आपके पास नेगेटिव ही आ गई, तो वो क्या इंडिकेट करेगी फिर? सर ए एक्स नेगेटिव पॉजिटिव साइड पे, पॉजिटिव साइड पे, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन ही हो जाएगा। लेकिन सर अगर हमारा अभी सर आंसर नेगेटिव है, सर हमने पॉजिटिव अज्यूम किया है, तो हम तो सर उसको बाद में क्या दूसरी साइड पे कर देंगे सर? हम देखिए, अगर आपने पॉजिटिव अज्यूम किया, आंसर नेगेटिव आया, आप कह देंगे कि ए एक्स नेगेटिव साइड पे एक्ट कर रहे हैं, ये तो फिर भी लॉजिकल बनता है। लेकिन अगर आपने नेगेटिव अज्यूम किया और आंसर भी नेगेटिव आ गया, आपके यहाँ नेगेटिव नेगेटिव करके आपका ए एक्स पॉजिटिव हो रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन मचाएगा। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि हम एक ही अजम्पशन को फॉलो करें, और वो अजम्पशन क्या है कि ऑल द अननोन रिएक्शंस, बेशक वो फोर्सेस हैं या मोमेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी अज्यूम्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। ठीक है, ताकि आपको सोचना ना पड़े कि इनिशियली ये किस साइड पे था और ये नेगेटिव साइन किस क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एग्जाम्पल 5-2 की अगर हम बात करें, वी नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फुट लिवर शोन। अब ये फुट लिवर आपको इस जो ट्रैक्टर उसमें नजर आ रहा है, बेसिकली वो ये वाला फुट लिवर है जिसको मैं
ब्लू से शो कर रहा हूं. सो दिस इज द फुट लेवर जो आपको शो किया गया है ब्लू कलर से. द ऑपरेटर अप्लाइज अ वर्टिकल फोर्स. अब इस पे हो क्या रहा है कि ऑपरेटर अपने पैर से एक अदद वर्टिकल फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं एट दिस एंड ऑफ द फुट लेवर वर्टिकल फोर्स टू द पेडल सो दैट द स्प्रिंग इज स्ट्रेच 1.5 इंचेस. ये वाला जो स्प्रिंग है पॉइंट ए के ऊपर लगा हुआ ये 1.5 इंचेस स्ट्रेच होता है और ये जो शॉर्ट लिंक लगा हुआ है पॉइंट बी के ऊपर इसके अंदर जो फोर्स डेवलप होती है ये 20 पाउंड है. सो अगर हम देखें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बनाना चाहें जो हमारे पास सिंप्लीफाइड सिस्टम इस बुक वाले ने दिया है वो कुछ इस तरह का ये फुट लेवर बन रहा है. इसमें पॉइंट ए के ऊपर पिन ज्वाइंट है, पॉइंट बी के ऊपर लिवर लगा हुआ है, अगर मैं इसको पॉइंट सी कहता हूं तो उसके ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है और पॉइंट डी के ऊपर जो है वो एक अदद फोर्स अप्लाई हो रही है. सो दिस इज द सिस्टम विच इज बीइंग शोन टू यू. आपसे कहा जा रहा है कि आपने इस फुट लिवर की फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो बनानी है. ओके नाउ इन ऑर्डर टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस फुट लिवर वी नीड टू आइसोलेट दिस फुट लिवर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. ये किन किन जगहों से सराउंडिंग से कनेक्ट है क्या कोई बता सकता है? सर बी पे और सर सी पे और ए पे इजंट इट? यस सर बी पे भी कनेक्टेड नहीं है सर. ए पे बी पे और सी तीनों पॉइंट से ये ग्राउंड से कनेक्टेड है. ए पे पिन जॉइंट के थ्रू ग्राउंड से कनेक्टेड है, बी पे एक शॉर्ट लिंक लगा हुआ है और सी के ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है. तो तीन जगहों से ये ग्राउंड से कनेक्टेड है. इट मींस कि मैं इसको आइसोलेट करते हुए ये तीनों कनेक्शंस जो है वो खत्म करूंगा. स्टार्ट करते हैं जी. पूछें सर वो ऐसे ओरिजिनल जो इमेज है उसमें तो सर ए पे कोई नजर नहीं आ रहा कि ए पे कहीं से कनेक्टेड है. नहीं नहीं ई पे देखें ए के ऊपर ये पिन जॉइंट ही लगा हुआ है ओरिजिनल फिगर में भी. वो शायद आपके लिए इतना विजिबल नहीं है इसलिए उसने ये सिंप्लीफाइड सिस्टम आपको ड्रॉ करके दे दिया है बुक में. सही सर. ठीक है तो ये तो जस्ट एक एक्चुअल पिक्चर है इसका सिंप्लीफाइड सिस्टम करके उसने ये आपको शो कर दिया है जो कि ज्यादा क्लियर पिक्चर दे रहा है आपको. ठीक है ओके. पॉइंट ए के ऊपर चूंकि पिन कनेक्शन है तो पिन कनेक्शन पे आप जब रिमूव करते हैं तो क्या रिएक्शन फोर्सेज मिलती हैं? दो फोर्सेस मिलती हैं. वन इज अलोंग द एक्स एक्सिस जिसको से मैं ए एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं, द अदर वन इज द रिएक्शन फोर्स अलोंग वाई एक्सिस. तो मैंने इसको ए वाई से रिप्रेजेंट कर दिया. ओके इसके अलावा जब मैं पॉइंट सी का कनेक्शन खत्म करूंगा जो स्प्रिंग लगा हुआ है तो मुझे क्या मिलेगा? स्प्रिंग फोर्स. मुझे स्प्रिंग फोर्स मिलेगी. सो मैं इसको एफ स्प्रिंग के तौर पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ. पॉइंट बी के ऊपर क्या लगा हुआ है? शॉर्ट लिंक लगा हुआ है इजंट इट? तो जब मैं इसको रिमूव करूंगा मुझे क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगी. फोर्स मिलेगी एफ बी. अगर आपको याद हो हम उन सपोर्ट रिएक्शंस पे जाएं ये फिगर टू जो आपको या सपोर्ट रिएक्शन टू जो दिखाया गया वो क्या है कि वंस यू रिमूव दिस लिंक आपको इस लिंक के डायरेक्शन में एक अदद फोर्स मिल जाती है. तो यहाँ भी एग्जैक्टली वही चीज है. आपके पास एक अदद लिंक लगा हुआ था, आपने जब उसको रिमूव किया तो आपको फोर्स एफ बी मिल गई है जो कि ऑलरेडी आपको गिवन है 20 पाउंड्स के तौर पे. दिस फोर्स इज गिवन टू यू एज 20 पाउंड्स इन द क्वेश्चन. ओके व्हाट अबाउट द स्प्रिंग फोर्स? क्या ये नोन है हमें? स्प्रिंग फोर्स होती किसके बराबर है? K डेल्टा X. K डेल्टा X. So K आपको गिवन है 20 pounds per inch. डेल्टा X आपको गिवन है, which is 1.5 inches. So 20 into 1.5 will give you this spring force to be equal to 30 pounds. So आपके पास एक तरह से FB 20 pounds, F spring 30 pounds, AX, AY और ये अप्लाइड फोर्स, ये सारी चीजें फ्री बॉडी डायग्राम पे आनी चाहिए. सो आई होप कि ये वाली फ्री बॉडी डायग्राम तमाम लोगों को क्लियर है. इसमें भी अगेन हम अपनी अजम्पशन पे चलेंगे, हमने ए एक्स को टूवर्ड द पॉजिटिव एक्सिस अज्यूम किया है ताकि जब इसका साइन नेगेटिव आए तो हम अपनी अजम्पशन को रिवर्स कर लें रादर देन कुछ रिएक्शन फोर्सेस पॉजिटिव अज्यूम करें, कुछ रिएक्शन फोर्सेस नेगेटिव अज्यूम करें और फिर बाद में खुद हमें पता ना चल रहा हो कि नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है? यस सर. चलिए सो मूविंग फॉरवर्ड
प्रॉब्लम कुछ करते हैं फिगर डायग्राम से हम बी के ऊपर भी ए एक्स और ए वाई नहीं कर सकते देखिए बी के ऊपर तो स्प्रिंग लगा नहीं बी के ऊपर शॉर्ट लिंक लगा हुआ है ना आप इसके ऊपर ए एक्स ए वाई नहीं करेंगे इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए सेकंड सपोर्ट रिएक्शन के हवाला दिया था कि आपके पास जब भी लिंक रिजिड बॉडी किसी लिंक के साथ कनेक्टेड होगी आप इस लिंक को रिमूव करेंगे तो आपको इस लिंक के डायरेक्शन में एक अदद फोर्स मिल जाएगी एक तरह से आप अगर देखना चाहते हैं वो फोर्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स एफ एक्स एफ वाई अगर आप करना चाहते हैं तो लेकिन एफ एक्स एफ वाई से नंबर ऑफ अननोन्स आपके वैसे भी इंक्रीज कर जाते हैं तो आप इसको एफ के तौर पर ही लेके सॉल्व करें तो इट वुड गिव यू अ मच डायरेक्ट सोल्यूशन ठीक है ओके सर चलें अब थोड़ा सा एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के हवाले से स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम 5-2 यू हैव अ मेंबर ए बी व्हिच इज बीइंग कनेक्टेड विद द सराउंडिंग्स एट पॉइंट बी यूजिंग अ पिन एंड एट पॉइंट ए यूजिंग अ रोलर यू नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मेंबर ए बी कैसे ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट बी को जब आइसोलेट करेंगे तो क्या हमें रिएक्शन मिलेगा दो फोर्सेस मिल जाएंगे वन इज bx द अदर वन इज by पॉइंट ए के ऊपर रोलर लगा हुआ है तो रोलर को हटाएंगे तो हमें क्या रिएक्शन मिलेगा एक परपेंडिकुलर फोर्स मिल जाएगी टू दिस इंक्लाइंड प्लेन सपोज मैं इसको नॉर्मल रिएक्शन ए के तौर पे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एट ए आप चाहें तो किसी भी अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट जनरली हम इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं सो एन के तौर पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं और चूंकि वो ए पॉइंट है तो हम इसको एन ए के तौर पे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये तो आपके पास रिएक्शन फोर्सेज आ गई इसके अलावा आपके पास एक अदद अप्लाइड फोर्स थी जो कि 390 पाउंड्स की थी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी इसके अलावा एक अदद अप्लाइड मोमेंट थी जो कि 800 पाउंड फुट थी ना काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो ये चार चीजें आपने शो करनी है पिन बी के रिएक्शन ए के रिएक्शन अप्लाइड फोर्स अप्लाइड मोमेंट Now the free body diagram is complete. अब ये बताएं कि इसमें वेट हमने नहीं शो किया बिकॉज क्वेश्चन में कहीं वेट का जिक्र नहीं था अगर तो वेट का जिक्र होता तो डेफिनेटली हमने वेट को भी इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे शो करना था ठीक है सर ये जो मूवमेंट शो की है ये अगर बॉडी मतलब रोटेट करे तो किस तरह करेगी वो तो वहां से कनेक्टेड है बी पे देखें कनेक्टेड तो है बी के ऊपर पिन कनेक्टेड है ना पिन कनेक्टेड अगर कोई चीज हो तो हमने इससे पहले भी बात की थी पिन कनेक्शन अगर हो तो वो रोटेशन को तो परमिट करता है कि नहीं करता रोटेशन को तो करता है ना इसीलिए फिर ये मोमेंट एक्ट कर सकती है सर वो जहां पे वेट पड़ा है ना वहां पे वेट पड़ेगा तो वो रोलर आगे मूव करेगा इस तरह अब इस सूरत में आप अगर चाहें अगर इसको इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहें बॉडी को तो ये मूव कर जाएगी पॉइंट बी के अबाउट देखिए पॉइंट बी के ऊपर तो पिन जॉइंट लगा हुआ है ना तो रोटेशन तो इस पॉइंट बी के अलोंग परमिटेड है अगर फिक्स सपोर्ट होती तो फिर जाहिर है रोटेशन प्रिवेंट हो जाती लेकिन पिन जॉइंट तो रोटेशन को अलाउ करता है ना तो इसलिए और दूसरी बात यह कि आप एक मोमेंट या टेंडेंसी ऑफ रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं अब इसके नतीजे में रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है नहीं हो रही वो और बात है ये एक अप्लाइड मोमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं इसकी वजह से आपके ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो है वो हो सकता है इस फोर्स की या इसकी वजह से चेंज हो लेकिन आप एक रोटेशन तो अप्लाई कर रहे हैं ना वो बॉडी रोटेट हो रही या ना हो वो और बात है लेकिन एक टेंडेंसी ऑफ रोटेशन तो है ना आपके पास 5-4 में क्या है कि एक अदद बीम है विच इज बीइंग सपोर्टेड बाय अ रोप एट पॉइंट बी एंड पॉइंट ई इसके अलावा आपने एक अदद वेट पॉइंट सी के ऊपर लगाया हुआ है सो हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बीम पॉइंट ए के ऊपर किस किस्म का कनेक्शन है पिन कनेक्शन है फिक्स कनेक्शन तो नहीं है yes, sir, yes, sir. So, point A के ऊपर क्या आना चाहिए रिएक्शन फोर्स आ जाएगा परपेंडिकुलरली आ जाएगा सो ये दो रिएक्शन आ जाएंगे AX और AY ऐसे ही है जी सर
अच्छा पॉइंट बी और पॉइंट ई के ऊपर क्या आना चाहिए? टेंशन आ जाएगी मैम, टेंशन आएगी। क्या मैं इसको टी वन और टी टू के तौर पे रिप्रेजेंट करूंगा? जी सर, या दोनों को टी के तौर पे कर लूंगा? सर दोनों को मर्जी है सर, दोनों को टी के, सर दोनों को टी के नहीं। क्या ये दो डिफरेंट होंगी या सेम होंगी? सेम होंगी तो डिफरेंट, मगर बिकॉज we have one single rope starting from point B passing over the pulley D and E, तो चूंकि रोप एक है तो हमने पहले भी पढ़ा है कि रोप के हर हर पॉइंट पे द टेंशन वुड रिमेन सेम, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट एज T1 एंड T2, बिकॉज़ फिर हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ जाएंगे, T1 अलग होगा T2 अलग होगा, ऐसा नहीं है। ये चूंकि एक ही वैल्यू टेंशन की है सो वी आर गोइंग टू अज्यूम इट एज आइदर T, या दोनों को T1 ले लें या दोनों को T2 ले लें, जिस तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ओके okay, और कुछ जो मैं नहीं, वो तो एंगल तो ज्यादा होगा लेकिन जो टी का मैग्नीट्यूड है दैट वुड रिमेन सेम। एग्जैक्टली ऊपर पुली लगी हुई है ना, सही है जी। अच्छा अब और बताएं, कुछ और फ्री बॉडी डायग्राम पे आना चाहिए? वेट सर, वेट व्हिच वुड बी पॉइंट सी। सो अब फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट है, कोई क्वेश्चन आपका इस फ्री बॉडी डायग्राम के हवाले से? अगर इस बीम का अपना वेट गिवन होता, सपोज अभी यहाँ क्वेश्चन में तो नहीं गिवन, क्वेश्चन में तो ये है कि बीम जो है वो 80 केजी लोड को पॉइंट सी पे सपोर्ट कर रही है, हाउएवर अगर मैं आपसे कहता इस बीम का अपना वेट जो है वो 100 केजी है तो वो कहाँ एक्ट करता? सेंटर ऑफ मास। टोटल लेंथ बीम की कितनी है? 5.5। 5.5 का आधा क्या हुआ? 2.75 पॉइंट के ऊपर अगर वेट गिवन होता तो यहाँ एक्ट करता बीम का, ठीक है? Yes sir. चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू प्रॉब्लम 5-5 इन विच ट्रस इज गिवन टू यू। दिस ट्रस इज बीइंग सपोर्टेड एट पॉइंट सी बाय अ पिन जॉइंट एंड एट पॉइंट ए बाय अ रोप। So you need to draw the free body diagram of this truss जो कि आपको ये show की गई है। So truss आपको given है, ये point C के ऊपर pin connected है। Again pin connection के ऊपर reaction forces क्या क्या मिलती हैं जब आप isolate करेंगे? Sir perpendicular और horizontal। So ये दो आपको forces मिल गई CX और CY। इसके अलावा point A के ऊपर rope लगी हुई है। So जब आप इस rope को remove करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? Sir tension force। तो टेंशन इन दिस रोप मिलेगी विच इज वुड बी एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। इसके अलावा आपके पास दो अदर अप्लाइड फोर्सेज हैं, 3 kN की, 4 kN की। सो नाउ द फ्री बॉडी डायग्राम इज कंप्लीट। कोई चीज मिस तो नहीं कर गए हम? नहीं सर। अच्छा चलें, अब अगर मैं आपसे थोड़ा सा चेंज करता इस प्रॉब्लम को, मैं आपसे कहता कि आपके पास ये बीम पॉइंट ये जो राइट एक्सट्रीम एंड है, सपोज मैं इसको पॉइंट डी कहता हूँ, इस पॉइंट डी से फिक्स सपोर्ट हुई हुई है, अब क्या आना था फिर? दो रिएक्शन फोर्सेस और एक मूवमेंट आएगा। यहाँ से तीन फोर्सेस नहीं कराती। तो यहाँ से मैं इसको dx और dy लिख लेता, दो तो रिएक्शन फोर्सेस आ गई, इसके अलावा क्या आना था? रोटेशन फोर्स। रोटेशन आ जानी थी, मूवमेंट आ जानी थी, जिसको मैं एम डी से रिप्रेजेंट करता अगर ये पॉइंट डी के ऊपर फिक्स सपोर्ट होगी। लेकिन चूंकि पॉइंट डी हवा में है, कहीं से कनेक्ट नहीं हुआ हवा, तो इसके ऊपर फिर किसी किस्म की फोर्स नहीं आएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा चलें, अब अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, मैं आपसे कहता कि ये जो पॉइंट डी है, नाउ दिस पॉइंट डी विच इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये रोलर सपोर्ट है इसके ऊपर, अब क्या आना था? सर इस पे नॉर्मल कोई वर्टिकली एक्शन फोर्स। तो इसके ऊपर इस सूरत में एक अदद वर्टिकल रिएक्शन फोर्स आ जाता, जिसको मैं डी वाई कह लूँ, एन डी कह लूँ, जो भी रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि आपके पास वो रिजिड बॉडी कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। जो जो आप कनेक्शन रिमूव करते जाएंगे, हम उन्हीं दो रूल्स को फॉलो करते जाएंगे। अब देखें, आपको किसी सूरत याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा रिएक्शन कहाँ आना चाहिए, आप वो दो जनरल रूल्स याद रखें जो आपको मैंने आज के लेक्चर में भी स्टार्ट में दिखाए हैं और कल भी दिखाए थे, कि जब जब कोई सपोर्ट रिएक्शन ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर रहे, जब आप उस सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ फोर्स एज अ रिएक्शन फोर्स के तौर पे। जब जब कोई सपोर्ट रिएक्शन रोटेशन को प्रिवेंट कर रहे तो फिर आपको मोमेंट भी मिलेगा।
ठीक है, तो ये दो रूल्स याद रखें, इंशाल्लाह आपकी फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा सही बनेगी। चलें फाइनल, मेरे ख्याल में यही आखिरी प्रॉब्लम है 5-8, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। वी नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मेंबर ए बी सी। आपके पास ये जो मेंबर है ए बी सी, ये सराउंडिंग के साथ तीन जगहों से कनेक्ट है। पॉइंट सी के ऊपर एक शॉर्ट लिंक लगा हुआ है सी डी, पॉइंट बी के ऊपर रॉकर है, और पॉइंट ए जो है उसके ऊपर एक कॉलर लगा हुआ है जो कि इस रॉड के ऊपर 45 डिग्रीज के ऊपर मूव कर सकता है। सो वंस वी आर आइसोलेटिंग दिस मेंबर ए बी सी, इसके ऊपर क्या क्या रिएक्शन फोर्सेस आनी चाहिए। सबसे पहले पॉइंट सी, पॉइंट सी के ऊपर क्या रिएक्शन आएगा सर? सिर्फ फोर्स आ जाएगी इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लिंक। सो इसको मैं फोर्स सी डी कह देता हूँ, क्योंकि एक शॉर्ट लिंक लगा हुआ है। जब आपने पॉइंट सी को आइसोलेट किया तो ये लिंक हटाया, लिंक हटाने के नतीजे में आपको फोर्स ऑफ दिस लिंक मिल गई इन द डायरेक्शन ऑफ दैट लिंक। ओके, पॉइंट बी के ऊपर रॉकर लगा हुआ है, क्या रिएक्शन मिलना चाहिए? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स आपके पास पॉइंट बी के ऊपर ये कदर नॉर्मल फोर्स आ गई। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? What about point? Yes, sir. Point A के ऊपर क्या रिएक्शन मिलना चाहिए? सर कॉलर के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन फोर्स लगेगी। कॉलर के परपेंडिकुलर एक फोर्स मिल जाएगी। चले मैं इसको N A कहता हूँ। डायरेक्शन इसका जिस तरह भी आपने बताया, ये जो कॉलर की ट्रांसलेशनल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर आपको ये N A मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक अदद अप्लाइड फोर्स है, एक अदद अप्लाइड मोमेंट है, तो ये आपने अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे शो कर दिए। नाउ योर फ्री बॉडी डायग्राम इज कंप्लीट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर पॉइंट डी कनेक्टेड नहीं है। देखिए पॉइंट डी तो कनेक्टेड है, लेकिन हम मेंबर ए बी सी की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो हमें तो इस मेंबर को आइसोलेट करना है ना। ये फर्दर पॉइंट सी आगे कहां से कनेक्ट है, हम इससे गर्ज नहीं है। तो सर ये जो रॉकर है सर, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ करता है? जी जी, रॉकर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ कर देते हैं। अगर यहाँ मैं रॉकर के बजाय पिन कनेक्शन दे देता, फिर मुझे दोनों डायरेक्शन में मिलने थे, क्योंकि पिन कनेक्शन आपकी दोनों ट्रांसलेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है सर। ठीक है, नाउ वंस यू आर फेमिलियर विद हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम इन टू डायमेंशन, द नेक्स्ट स्टेप इज After drawing the free body diagram, you need to apply the conditions of equilibrium which we have stated at the very start of this chapter. Those two conditions, agar aapko yaad ho, wo kya thi? Ki there shouldn't be any unbalanced force acting on the rigid body, as well as there shouldn't be any unbalanced moment acting on that rigid body in order for that rigid body to be in equilibrium. So for equilibrium, ye do conditions thi jo ki aapko अप्लाई करनी थी रिजिड बॉडी के ऊपर। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो देन वी कैन से दैट दैट रिजिड बॉडी इज गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम। चूंकि हम टू डायमेंशन में कर रहे हैं, तो हमने किया क्या है कि इस समेशन एफ वाली इक्वेशन को इसके स्केलर टर्म्स में लिख लिया है। समेशन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई शुड बी इक्वल टू जीरो, और मोमेंट वाली टर्म को हम क्लॉक वाइज या काउंटर क्लॉक वाइज मोमेंट के तौर पर सम करेंगे, बट द ओवरऑल सम ऑफ द मोमेंट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। सो दीज आर द थ्री scalar equations which are going to be applied on each and every rigid body jiski aapne free body diagram banayi hai in order to find the support reactions. Now here summation fx and summation fy represents the algebraic sum of the x and y components of all the forces acting on the rigid body, whereas summation mo represents the algebraic sum of all the couple moments and the moments of all the forces acting on that rigid body. तो आपके पास उस rigid body को equilibrium में लाने के लिए ये दो conditions हैं जो satisfy होनी चाहिए, कि उस पर किसी किस्म की कोई unbalanced force या कोई unbalanced moment जो है वो act नहीं करनी चाहिए। So आप तमाम rigid bodies पर ये तीन equations apply करेंगे, summation fx equal to zero, summation fy equal to zero and summation m equal to zero. Is this point clear to all of you? क्लियर है? अच्छा, अब क्योंकि आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, फॉर हाउ मेनी अननोन्स यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस? सर थ्री अननोन्स।
फॉर थ्री अननोन्स, क्योंकि अगर आपके पास अननोन्स तीन से ज्यादा हैं, मतलब चार अननोन्स हैं या पांच अननोन्स हैं, देन द सिस्टम वुड बिकम डिटर्मिनेट और आप फिर जो है वो उसको यूनिक सोल्यूशन नहीं कर सकते. सो इन स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स गिवन होंगी वो एक यूनिक सोल्यूशन दे रही होंगी, यानी आपके नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर होंगे. तो चूंकि यहाँ तीन अननोन्स हैं तो मैक्सिमम सॉरी तीन इक्वेशन है तो मैक्सिमम आप तीन अननोन्स के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं. इन केस के कहीं आपको चार अननोन्स नजर भी आते हैं तो जरा गौर से उस प्रॉब्लम को देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक अननोन कोई स्प्रिंग फोर्स हो जिसको आप स्प्रिंग फोर्स के फॉर्मूले से जो है वो निकाल सकते हो और अपने सिस्टम को तीन अननोन्स और तीन इक्वेशंस पर रिड्यूस कर सकते हो. तो कोशिश करें कि अगर कुछ ऐसा है तो आप स्प्रिंग फोर्स को एफ इक्वल टू के एक्स की मदद से, स्प्रिंग फोर्स के फॉर्मूले की मदद से निकाल लें ताकि आपके अननोन्स आपकी इक्वेशंस के बराबर जो है वो हो जाएं. सो दीज सेट ऑफ इक्वेशंस आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वेरियस सपोर्ट रिएक्शंस. और आपके पास एक तो ये सेट ऑफ इक्वेशन है जो कि प्रोबेबली 99% प्रॉब्लम्स पे आप यही सेट ऑफ इक्वेशंस जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे फॉर फाइंडिंग द सपोर्ट रिएक्शंस. हाउएवर देर आर टू ऑल्टरनेट सेट ऑफ इक्वेशंस एज वेल. द फर्स्ट ऑल्टरनेट सेट ऑफ इक्वेशंस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इज शोन टू यू हियर, कि आप बजाय दो फोर्स एक मोमेंट की अप्लाई करने के आप एक फोर्स और दो मोमेंट जो है वो अप्लाई कर दें. एंड द थर्ड ऑल्टरनेट सोल्यूशन इज कि आप बजाय फोर्स अप्लाई करने के आप तीन डिफरेंट पॉइंट्स के अलॉन्ग मोमेंट की इक्वेशन को सम कर दें, आपको जो है वो अपने अननोन्स की तादाद मिल जाएगी. लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपके इस फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस के साथ सॉल्व होंगे जिसमें आप समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन एम कर रहे होंगे. हाउएवर कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आएंगी कि अभी जैसे अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज के उसमें, जिसमें आप देख रहे होंगे कि बजाय मैं एफ एक्स और एफ वाई लेने के अगर मैं एफ एक्स ले लूं और दो पॉइंट्स के अबाउट मोमेंट ले लूं, या फोर्स ना लूं तीन डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट जो नॉन कोलिनियर है उनके अबाउट मोमेंट ले लूं, तब भी मुझे सपोर्ट रिएक्शंस मिल सकते हैं. लेकिन बहरहाल वो इक्वेशंस तीन ही होंगी, आपको मैक्सिमम तीन अननोन्स के लिए आप उन तीन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते होंगे. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस. ठीक है, तो जनरली हम ये पहला सेट ऑफ इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने ज्यादातर प्रॉब्लम्स पे, लेकिन अभी जस्ट आपको समझाने के लिए आज जो हम एग्जांपल करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते तो पहले सेट के बजाय दूसरा सेट ऑफ इक्वेशन भी इस्तेमाल कर सकते थे, आपको जो है वो सेम सोल्यूशन मिलता. ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस है, दो फोर्स एक मोमेंट, एक फोर्स दो मोमेंट, या तीनों मोमेंट आप लेके अपने सपोर्ट रिएक्शन जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए अभी आज हम एक एग्जांपल करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. बाकी एग्जांपल्स और प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीक के लेक्चर में. ओके, सो एग्जांपल 5-5 की अगर हम बात करें, आपको एक अदद बीम दिखाई गई है. यू नीड टू डिटरमिन द सपोर्ट रिएक्शन ऑन दिस बीम एट पॉइंट ए एंड बी एज शोन टू इन द फिगर. द बीम इज एक्टेड अपॉन बाय थ्री फोर्सेस, 200 न्यूटन, 100 न्यूटन एंड 600 न्यूटन फोर्स. निगलेक्ट द वेट ऑफ द बीम. तो सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम, चूंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम पे आते हैं. पॉइंट ए के ऊपर रॉकर लगा हुआ है, पॉइंट बी के ऊपर पिन जॉइंट है. तो बी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस आनी चाहिए? एक्स की डायरेक्शन में और वाई की डायरेक्शन. एक्स की डायरेक्शन में, सो मैं इसको लिख लेता हूँ बी एक्स और बी वाई. ए के ऊपर रॉकर लगा हुआ है, रॉकर के लिए मुझे कौन सी रिएक्शन फोर्सेज मिलनी चाहिए? So it is going to be normal reaction force, जिसको मैं चूंकि y direction में आ रही है तो मैं इसको ay के तौर पे represent कर दूं. ठीक है, so free body diagram complete हो गई, मेरे पास तीन applied forces हैं, weight मुझे शामिल नहीं करना है. So now the free body diagram is complete. So shall I start solving this free body diagram ताकि मैं support reactions जो है वो determine कर सकूं? चलें, अब चूंकि मैं इसको पहले conventional set of equations से solve करने की कोशिश करता हूँ, मैं इस पे अप्लाई करता हूं एफ एक्स, यानी समेशन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो. व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन? बी एक्स प्लस 600 कॉस 45, ऐसे ही है? यस सर. शुड बी इक्वल टू, आप एक्स डायरेक्शन में सम कर रहे हैं,
एंगल कहां से गिवन है आपको? सो वंस यू सॉल्व इट यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ बी एक्स टू बी इक्वल टू -424 न्यूटन. व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स? जी मैं एक्स की सर पॉजिटिव साइड पे डायरेक्शन लिया, मैं नेगेटिव पे लेने दे. हां जो हमने अज्यूम की है bx की डायरेक्शन, bx उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है यानी टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस. अब देखें इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, आपने हर चीज को पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग अज्यूम की है. जैसे ही नेगेटिव साइन आया आप कह देंगे वो नेगेटिव डायरेक्शन में. अदरवाइज अगर आप अजम्पशन फॉलो ना करें, आप कुछ को पॉजिटिव लें कुछ को नेगेटिव लें, तो फिर आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि हमने इनिशियली इसको अज्यूम कहां किया था और उसके हिसाब से सोल्यूशन जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा आखिर में. ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट अबाउट समेशन एफ वाई? इसमें कौन कौन सी टर्म्स आनी चाहिए सर? ए वाई, बी वाई और -100 सर, और फिर 600 साइन 45. ओके -100 -600 साइन 45 -600 sin 45. Anything else? What about this? -200 200 भी होगा and that should be equal to 0. चूंकि दो unknowns हैं ay by, तो मैं इसको कह देता हूँ this is my equation number 1. चूंकि दो unknowns हैं it means कि मुझे एक और equation कहीं से चाहिए ताकि मैं इसको solve कर सकूँ. Okay, moment मैं point b के about ले लूँ. तो समेशन मोमेंट्स अबाउट पॉइंट बी इक्वल टू जीरो, बी एक्स और बी वाई की वजह से कोई मोमेंट आएगा? नहीं सर. 200 न्यूटन फोर्स की वजह से कोई मोमेंट आएगा? नहीं आएगा सर. नहीं आएगा. ओके 100 न्यूटन की वजह से कितना मोमेंट आएगा? मोमेंट आर्म कितना है 100 न्यूटन वाली फोर्स का? 100 into 2 सर. 100 into 2 क्लॉकवाइज है काउंटर क्लॉकवाइज है? काउंटर क्लॉकवाइज है. सो पॉजिटिव साइन डालें या ना डालें पहली टर्म में कोई इशू नहीं है. ओके ए वाई की वजह से मोमेंट आएगा? कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? 7 meters. 7 क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. सो नेगेटिव साइन आपने डाल दिया. ओके 600 साइन 45 की बात करते हैं विच इज द वाई कॉम्पोनेंट. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सर? 5. क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज. काउंटर क्लॉकवाइज सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड इट विद अ पॉजिटिव साइन. व्हाट अबाउट द एक्स कंपोनेंट 600 cos 45? वुड इट क्रिएट एनी मोमेंट? नहीं सर. आर यू श्योर? बल्कि सर करेगा. करेगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है. ऑल्दो कम कर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो मोमेंट की वैल्यू कम आएगी विच इज दिस 0.2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्लॉकवाइज होगा काउंटर क्लॉकवाइज होगा? क्लॉकवाइज होगा. सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड इट विद अ नेगेटिव साइन. कोई टर्म हम भूल तो नहीं गए? यही चार टर्म्स आनी चाहिए. bx नहीं होगा सर? bx क्यों होगा? bx तो b पॉइंट से पास नहीं हो रहा. कैसे वो 0 हो गया? ठीक है. तो ये चार टर्म्स हमारी मोमेंट इक्वेशन में आएंगी. सो वंस आई एम गोइंग टू सॉल्व इट आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वाई. एक ही अननोन है ए वाई. सो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ ए वाई टू बी इक्वल टू 319 न्यूटन्स. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए वाई इन इक्वेशन नंबर 1 वुड गिव मी द वैल्यू ऑफ बी वाई टू बी इक्वल टू 405 न्यूटन. सो ये मेरे पास तीन अदद सपोर्ट रिएक्शंस हैं जो कि आ गए हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर. अच्छा चलें जस्ट आपको समझाने के लिए जो अभी हमने डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस की बात की थी, अगर मैं समेशन एफ वाई के बजाय कोई मोमेंट की इक्वेशन लेना चाहता तो मुझे डायरेक्टली उसकी वैल्यू नहीं मिल जानी थी बी वाई की. मसलन मैं आपसे अगर कहता पॉजिटिव समेशन मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो, इस सूरत में मुझे क्या इक्वेशन मिलनी थी? क्या आप बता सकते हैं?
So 100 into 5 with a negative sign, 200 into 7 with a negative sign, ऐसा ही है. ऐसा b sin theta for 2. इसके अलावा आपके पास आना था 600 sin 45 into 2 और पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव. व्हाट अबाउट 600 cos 45? यस सर, वो भी 0.2 बनाता. वो 0.2 हो जाता पॉजिटिव नेगेटिव. सर नेगेटिव सर. नेगेटिव. अच्छा, और कुछ जो यहाँ आना चाहिए? सर bx by का by. देखिए bx तो इससे पास हो रहा है पॉइंट a से, तो bx तो नहीं आएगा, by लेकिन आएगा. ठीक है, by का 7 आ जाएगा. और क्लॉकवाइज होगा काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज. सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली आपको यहाँ से by की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, बजाय इसके कि आपको दो अननोन्स मिलते और फिर आप पहले ay निकाल के by की वैल्यू डालते. अगर आप ये सेट यूज करते तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट द वैल्यू. तो कहने का मकसद यही है कि जनरली 99% टाइम्स आप समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन एम इस्तेमाल कर रहे होते हैं. लेकिन थोड़ा सा अगर आप सोचें, अगर आप चाहें तो एक फोर्स, दो मोमेंट या इवन तीन मोमेंट्स की इक्वेशन को अप्लाई करते हुए भी अननोन्स की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं. Is this point clear to all of you? जी सर. सर मैंने एक चीज पूछनी थी. अब जैसे एक सपोर्ट है वो दो फोर्सेस क्या कहते हैं रिएक्शन फोर्सेस एग्जर्ट करता है, तो सर उन दोनों फोर्सेस के बीच में कोई रिलेशन होगा? जैसे bx by के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल है. देखें bx by के बीच में रिलेशनशिप क्या है कि आपके पास bx की वैल्यू आ गई, आपके पास by की वैल्यू आ गई. एक्चुअली b तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एग्जर्ट हो रही है ना, तो आप वो b और थीटा या फाई फाइंड कर सकते हैं. b क्या होगा? bx square plus by square whole under root. बेसिकली ये कंपोनेंट्स हैं b फोर्स के जो कि b पॉइंट पे एग्जर्ट की जा रही है. ठीक सर. ठीक है, चलें. सो विद दिस जी पूछिए. मोमेंट किसी भी पॉइंट के अराउंड ले सकते हैं? मोमेंट a के अराउंड भी ले सकते हैं, b के अराउंड भी? बिल्कुल. जनरली मोमेंट किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट लिया जाता है जहां कोई सपोर्ट रिएक्शन आ रहा हो, ताकि एटलीस्ट वो रिएक्शन तो जो है वो उस इक्वेशन में इंक्लूड ना हो. मसलन अगर a के अराउंड लेते हैं तो ay उस इक्वेशन में नहीं आएगा, अगर b के अराउंड लेते हैं तो bx by दोनों नहीं आएंगे उसमें. ठीक है, तो जनरली मोमेंट आप उस पॉइंट के अमाउंट लेते हैं जिस पे कोई सपोर्ट रिएक्शन, जिस पे ज्यादा सपोर्ट रिएक्शन एक्ट कर रहे हो, ताकि वो सारे के सारे जीरो हो जाएं. ठीक है सर. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर क्योंकि टाइम भी हो चुका है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का लेक्चर हम इससे रिलेवेंट कुछ मजीद एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे. सो लेट मी स्टॉप द